सारी संगल पढ़ो जी, सारी संगल। एक ओंकार इनु आपा उच्चारण करने जी, एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद गुरप्रसाद। हुण शुद्ध उच्चारण सुनो जी, एक ओंकार आपां पढ़ रहे जी, एक ओंकार। हुण कई सज्जन एक ओंकार का जो उच्चारण है वह कई कर जाते जी एकमकार, जा कई पढ़ जाते जी ओमकार, पता नहीं ना अनजाण पुणी च पढ़ जाते, गलती कर जाते। ना तो यह एकमकार है ना ओमकार है, इहदा असल में शुद्ध उच्चारण है जी एक ओंकार। यह मानो तीन लफ्जा नू मिला के एक लफ्ज बनिया होया जी। तीन लफ्ज कहड़े जी, पहला आ गया एक, फिर आ गया ओं, फिर आ गया प्लस कार, वो जिहड़ी उत्ते आपां अर्ध चंद्रमा की तरह आपां वेखदे ना लकीर जी खिंची हुई है जी, वह उन्हूं कार कहा जाता है जी, कार। वह लकीर जी जिहड़ी उत्ते ऊड़े दे उपर अर्ध चंद्रका की तरह वह लकीर है, उन्हूं कार कहिंदे जी। वह भी उच्चारण में आ रही है, वह जिहड़ा ऊड़ा है वह है ओं, प्लस उत्ते जिहड़ी वह लकीर है उन्हूं कार कहिंदे आ जी, जिहड़ा अगे एका लगा होया है। हुण ध्यान रखो, देखो महाराज जी ने वो एके नू इदा नहीं लिखिया, ईड़ी नू सियारी ते कक्का एक, महाराज ने उन्हूं संख्यक वाचक लिखिया होया जी, एका लिखिया संख्यक वाचक, जिदा आपां गिनती च पढ़दे आ एक दो तीन चार वन टू थ्री फोर, संख्यक वाचक एक लिखिया होया। मैथमैटिक्स का वो एक है। तो गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने इहदा उच्चारण वेखो, एक ओंकार, इनू ना आपां एकमकार पढ़ना ना ओमकार, एक ओंकार ओं। देखो ध्यान रखियो, महाराज की बाणी में ना जिहड़ा ऊड़ा है, आपां गुरमुखी लिपि पढ़ते हाँ तो सब तो पहला गुरमुखी लिपि के विच ऊड़ा हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में जिहड़ा ऊड़ा है ना वह दो प्रकार के नाल आया जी, ऊड़े का स्वरूप दो प्रकार नाल है। एक ऊड़े का स्वरूप आया जिथे ऊड़े का मूँह बंद हुंदा है, जिवें आपां कोई शब्द पढ़ लिए जी उत्पत जा उस, इत्थे ऊड़े का मूँह बंद है, ऊड़े नूं इदां बंद कर दिता उहदा मूँह। एक ऊड़े का स्वरूप आया जिथे ऊड़े का मूँह खुला हुंदा है, उहनूं आपां पढ़दे जिवें ओह, जां आपां उच्चारण कीता ओंकार, उत्थे ऊड़े का मूँह खुला होया जी, उत्ते उहनूं बंद नहीं कीता होया, वो इदा ही ऊड़े का मूँह खुला रख दिता। सो ध्यान में रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च ऊड़े का स्वरूप दो प्रकार नाल आया जी। जदों ऊड़े का मूँह खुला होवे सो इहदा असल में शुद्ध उच्चारण है एक ओंकार। एक का मतलब हुंदा है रब एक है, रब दो तीन चार पांच जां तेती जां तेती करोड़, रब इन्ने नहीं हन, रब इको ही है। गुरु नानक साहब कहते ने एको है भाई, एको है साहिब मेरा एको है। गुरु नानक साहब कहते हैं एक पिता एकज के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। गुरु नानक साहब पातशाह कहते ने एकम एकंकार निराला, अमर अजूनी जात ना जाला। बई वो तो एक है, वह दो तीन चार पांच नहीं हन, वो इको ही आ। अज भी हिंदुस्तान दे विच एक मानता मनी जाती है दखनी ओंकार। वेखो महाराज जी ने बाणी दे विच उचारणा दी सेध दित्ती हुई है,
इनू ओंकार नूं किवें पढ़ना है, महाराज ने बाणी च ही सेध दित्ती हुई। दखनी ओंकार की रामकली राग च बाणी हुंदी गुरु नानक साहब की, उहदे विच महाराज कहिंदे ने ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग भए, ओंकार वेद निर्मय। महाराज जी कहिंदे ने ओंकार ब्रह्मा उत्पत, भी तुसी कहिंदे हो ब्रह्मे ने दुनिया बनाई सृष्टि बनाई, पर गुरु नानक साहब कहिंदे ने असल विच ओंकार एक अकाल पुरख परमात्मा उन्हें सृष्टि नूं बनाया, उन्हें ही ब्रह्मे नूं भी बनाया है। आखो सतनाम, उन्हें ब्रह्मे नूं भी बनाया ते उन्हें संसार भी बनाया। हुण ये जिहड़ा ओंकार है इहदा अर्थ की है, सुनो। ओअंग, ओअंग का अर्थ हुंदा है सर्व व्यापक, सारिआं दे विच वसिआ होइआ। ते उह जिहड़ी उत्ते कार आ ने जी, कार चंद्र अर्ध चंद्रमा की तरह जी कार खिंची हुई है, वह कार का अर्थ है एक रस लगातार। ओंग का अर्थ है सर्वव्यापक, कार का अर्थ है एक रस लगातार, जो एक रस लगातार सारिआं दे विच व्यापक है, समाया हुआ है। आपां पंजाब च बैठे हुए हैं ना जी, साडे विच भी रब समाया हुआ है, पंजाब वालिआं नूं भी रब मिल जाएगा। जिहड़े पंजाब तो बाहर रहिंदे ने जी, बॉम्बे विच, दिल्ली विच, जां फिर जिहड़े इंडिया तो बाहर रहिंदे ने, सत समुंदर पार, अमरीका, कैनेडा, इंग्लैंड की धरती च, बाहरले मुल्कां विच, महाराज कहिंदे ने उहनां च भी रब समाया होया। कहण तो भाव कि परमात्मा सारिआं पासे भरपूर है, वसिआ होया। नाम सत नाम, ये दो लफ्ज आ जी, एक ओंकार सत नाम, ये चार जिहड़े लफ्ज ने ना ध्यान विच रखियो जी, ये चार लफ्ज अकाल पुरख परमात्मा दे निर्गुण स्वरूप नूं बयान कर रहे ने जी। सत दा अर्थ हुंदा है, वेखो हुण ध्यान विच रखियो, ये सत नूं आपां गिणती वाला सत नहीं समझना। आपां पढ़दे हां ना जी, एक दो तीन चार पंज छे ते सत, ये गिणती वाला सत नहीं है। इत्थे स्वरूप देखो, सस्सा तत्ते नूं सिहारी, यह है सत। सत दा अर्थ हुंदा है सदीवी रहण वाला, जिहदी होंद सदीव काल तीकर होवे, सदीव होंद वाला। साहिब दी बाणी च सत, सत तो भाव सदीवी होंद वाला। अगे आ गया लफ्ज जी नाम, ये चारे लफ्ज ध्यान च रखियो, ये स्वतंत्र लफ्ज ने अपने आप विच। नाम, नन्ने नूं कन्ना मां पैर विच ओंकड़, जिहड़ा नाम है उहदा नाम की है, उहदा नाम की। कहण तो भाव कि परमात्मा नाम वाला भी है, उहदा नामना भी है, उहनूं आपां की कह सकदे हां जी, उहनूं आपां तेरी जेबा सत नाम तेरा परा पुरबला। सत नाम आ जिहड़ी पंक्ति है जी, सत नाम तेरा परा पुरबला। हे मेरे प्रभु, हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, संसार दे लोकां ने तेरे किरत नूं वेख के, तेरे कम्मां नूं वेख के तेरे नाम रखे हुए ने। जदों किसी ने महसूस किया भी तू दया करता है, उन्हें कह दिता रब ते दयालू है। जदों किसी ने महसूस किया भी रब की मेरे ते बड़ी कृपा है, उन्हें कह दिता जी रब ते कृपालू है। तेरे कम्मां नूं वेख के तेरे नाम रख दिते। किसी ने आख्या तू पापियां नूं बख्श देना है, ते तेरा नाम रखता पतित पावन। पतित नाम कैसे हुंता, पतित पावन तेरा नाम है। सो नाम, नाम दा अर्थ है नामना, बई परमात्मा दा नाम भी है, उहदा नाम है सत, उहदा नाम है इक, उहदा नाम है ओंकार। समझ रहे हो जी, हुण अगे पढ़ो जी। करता पुरख, करता, करता बनाउण वाला। आपां पढ़दे हां रैराज साहिब दी बाणी च, तू करता सचियार मेंढा साई, करता करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाहे कोय। महाराज जी कहिंदे ने भी करन करावण वाला एक परमात्मा है जी, उहने सारिआं नूं बनाया है। फिर सारिआं नूं बना के दूसरी गल सुनो, महाराज कहिंदे ने उह पुरख भी है। पुरख पा दे पैर च औंकण, रारा खखे दे पैर च औंकण। पुरख, पुरख का अर्थ हुंदा जो बना के बिच समा गया होवे। पुरख का अर्थ है सर्व व्यापक। पुरख का अर्थ ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। गुरु नानक साहब कहिंदे ने ये जो जगत है, संसार है, वह अकाल पुरख परमात्मा की कोठड़ी है जी, वह बिच ये बैठा होया, समाया होया।
वह करता भी है तो वह पुरख भी है। वह बना के इस संसार तो अलग नहीं होया, जिमें एक चित्रकार चित्र बना है जी, चित्र बना लिया, उहदा बनाया होया चित्र किसी के घर की वॉल उत्ते दीवार ते लगा होया, आ बनाने वाला चित्रकार अपने घर च बैठा होया। एक ठठियार भांडे बनाउंदा जी, उहदे बनाए हुए भांडे किसी के घर च पए ने, आप बनाउण वाला भांडे बनाउण वाला ठठियार अपने घर च बैठा होया। महाराज जी कहिंदे ने उह परमात्मा ऐसा है जिन्हें संसार के जीवां रूपी भांडे बनाए, आ मनुखा रूपी भांडे बनाए, जीव जंतुआ रूपी भांडे बनाए, पर वह भांडे बना के इन्हों तो अलग नहीं होया, वह बिच ही बैठ गया, इन्हों अपनी किरत के बिच ही समा गया। वह ऐसा चित्रकार है जिन्हें चित्र बनाया जगत का, संसार का चित्र बना के बिच ही समा गया, वह चित्र तो अलग नहीं होया, वह तो ऐसा चित्रकार है। चचा रचित चित्र है भारी, तज चित्र है चेतो चित्रकारी। फिर महाराज जी कहते ने निर्भो, निर का अर्थ होंदे रैत बिना, भौ का अर्थ होंदे डर। सारा जगत जिहड़ा है, असी जिन्ने भी हाँ मनुख संसार दे जीव जंतु, जो कुछ भी सानू दिखाई पैंदा, ये धरती काश सूरज चंद्रमा जो कुछ भी है, सारे का सारा संसार डर दे विच है। पर महाराज जी कहिंदे ने वो अकाल पुरख परमात्मा डर तो रहत है, उहनू किसे दा कोई डर नहीं। भै मैं रचियो सब, एक भै का अर्थ हुक्म भी हुंदा है जी, समझियो इन्हू भी ध्यान, एक भै का हुक्म, हुक्म एक भै का अर्थ हुक्म भी हुंदा है, पर इत्थे जिहड़ा भै है वह है डर। सानू डर रहिंदा है, किधरे ना किधरे असी डरदे हाँ जी, चाहे वह किसी बंदे का डर होवे, चाहे वह साडे उत्ते जिहड़े सिर ते बैठे ने राजनीतिक हाकम लोग उन्हां दा डर होवे, चाहे किसी नू देवी देवते का डर होवे, ते चाहे मौत का डर होवे, हर एक बंदा भै विच जी रहा है, किसी ना किसी भै विच। पर महाराज जी कहिंदे ने जो अकाल पुरख परमात्मा है वह भै तो रहत है, वह भै विच नहीं है, उन्हूं किसी का डर नहीं है, सब नू ध्योंदे आ, वह निर्भो है। फिर महाराज कहिंदे ने वह निर्वैर है, निर्वैर का अर्थ वैर तो रहत होना, साडा किसी ना किसी नाल वैर हुंदा है, इतों तीकर ते इको माँ की कुखों जाए दो भरा आपस वैरी बन के बैठ बैठ जाते हैं जी, वैर किसी नाल दुश्मनी रखनी। पर महाराज जी कहिंदे ने भलिया जिहड़े परमात्मा की मैं बात पा रहा, मैं गल कर रहा, वह वैर तो रह ते उहदा किसी नाल कोई वैर नहीं, उहदी नज़र विच ते ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई, उहदी नज़र विच ते कोई बेगाना है ही नहीं, उहदी नज़र च कोई बैरी दुश्मन है ही नहीं, वह किसी नाल वैर नहीं रखता। असल दे विच वैर कित्थे पैदा हुंदा जी, जिते कोई शरीक खड़ जाए, जिते किसी नूं लगे भी यह मेरा शरीक है, उत्थे वैर पैदा हो जाता है। जेकर किसी मनुख के मन च ईरखा पैदा हो जाए, उत्थे वैर पैदा हो जाता है। इसे करके तो महाराज जी बार बार सानू ईरखा निंदिया चुगली ये गल्लां ये अवगुण करन तो महाराज रोकते ने, भी बंदे आ ना ईरखा रख मन विच, किसी के प्रति साड़ा ना रख, निंदिया ना कर, किसी की चुगली ना कर, भी तेरे अंदर वैर भावना पैदा हो जाएगी। वह अकाल पुरख परमात्मा ईरखा तो रहत है, भी सब तो वड्डी गल उहदा शरीक ही कोई नहीं संसार विच, उहदा शरीक ही कोई नहीं, उहदे वर्गा होर है ही कोई नहीं, वह इक्को ही अपने आप में। फिर महाराज जी कहिंदे ने निर्वैर अकाल मूरत, आ ध्यान रखियो जी, ये जिहड़ा मूरत लफ्ज आया जी, मां दे पैर च दुलैंकण रारा तत्ते नू सिहारी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च एक मूरत लफ्ज का होर भी सरूप आया जी, वह इंज आउंदा मां दे पैर च दुलैंकण रारा तत्ता, इदां भी आया जी, औंकड़ वाला भी तत्ते दे पैर च औंकड़ ला के भी आया जी, वो जिथे आवे ना जी सिहारी तो रहत तत्ता औंकड़ नाल जां तत्ता मुक्ता, उत्थे मूरत का अर्थ उत्थे ए नहीं, उत्थे आपां हस्ती नहीं करांगे जी, उत्थे उच्चारण च भी फर्क है, अर्थ विच भी फर्क है। जिवें आपां बारह माह की बाणी च पढ़ते हाँ माह दिवस, अगे की पढ़ते हैं जी मूरत भले, उहनूं थोड़ा दबाव विच बोलना है जी, जिवें उहदे पैर विच हाहा रख के, माह दे पैर च हाहा रख के, जिवें मूरत, मूरत का अर्थ होंदा महूरत घड़ाउणे, जिवें कई सिख हो के भी पंडतां कोल जांदे आ जी, बई ब्याह है साडी लड़की दा जां लड़के दा, मूरत कढ़ो जी वधिया जिहा, बई नवा मकान बनाया चट रखनी जी मूरत कढ़ के दो सानू, कुंडलियां दिखांदे मूरत, बई आह समा चंगा आह समा माड़ा मूरत कढ़ाउंदे लोकी, गुरमत विच इह मूरत वगैरा दी कोई मानता नहीं है। महाराज जी ने आखिया भी रब नूं याद करो उही चंगा मूरत है,
जो रब नूं याद नहीं करते भी वह माड़ा मूर्त, बस इन्नी की गल है। वह मूर्त है, पर इत्थे लफ्ज है मूर्त। मूर्त का अर्थ हुंदा हस्ती। मूर्त का अर्थ यह नहीं कि कोई पत्थर की मूर्ति परमात्मा की है, पत्थर की मूर्ति नहीं रब की। मूर्त का अर्थ है हस्ती, ते वो ऐसी हस्ती है जो महाराज कहिंदे ने अकाल है। ऐड़ा अगेत्र लगा हुआ है जी इत्थे। काल का अर्थ हुंदा समा, काल का अर्थ हुंदा मौत। ऐड़ा अगेत्र लाता अकाल। अकाल का अर्थ हो गया जी जिहड़ा समय तो रहत होवे, जिहड़ा मौत तो रहत होवे। महाराज कहिंदे ने ऐ इंसान वह परमात्मा ऐसा है, उहदी हस्ती ऐसी है जिहड़ी समय तो रहत है। असी सारी दुनिया अजूनी अजूनी सहभंग इनू कट्ठा नहीं जी पढ़ना, यह दो अलग अलग स्वरूप ने जी, अलग अलग विशेषण। अजूनी वखरा पढ़ना, सहभंग वखरा पढ़ना। कई सज्जन अजूनी सहभंग पढ़ जाते हैं कट्ठा ही, कट्ठा उच्चारण नहीं है। इतने विश्राम दे के ध्यान च रखियो, हर कितने अर्ध विश्राम किधरे पूरा विश्राम आएगा जी। विश्राम देना सत दे बाद अर्ध विश्राम होना। सत नाम करता पुरख निरभौ विश्राम, निरवैर विश्राम, विश्राम देने ने। विश्राम बड़े जरूरी ने जी बाणी पढ़न लगे हैं। जदों विश्राम ना देिए तो कई बार अर्थां दा नर्थ हो जाता है। हुण विश्राम देखो, गुर अर्जन विश्राम, घर गुर रामदास भगत उतर आयो। जे हुण इत्थे विश्राम आपां ला दईए जी, गुर अर्जन घर, घर दे उत्ते विश्राम ला दईए, अर्थ दा नर्थ हो जाएगा, गलती हो जाएगी। इहदा मतलब हो जाएगा गुरु अर्जन साहिब जी दे घर गुरु रामदास जी भगत उतर के आ गए। असल में इतिहास यह है कि गुरु रामदास साहब के सपुत्र ने गुरु अर्जन साहब महाराज जी। इतने विश्राम होना है गुरु अर्जन के उत्ते, भी गुरु अर्जन साहब जी श्री गुरु रामदास साहब जी के ग्रह विखे भगत बन के आए। आखो सतनाम। तो अजूनी दे विश्राम आना है। जूनी का अर्थ होंगे जूना में आने वाला, ऐड़ा अगेत्र लगा हुआ है, यदा अर्थ है जूना तो रहत होना। महाराज कहते हैं भी जो एक परमात्मा है वह जूना तो रहत है, वो जूनिया च नहीं हुंदा, वो जन्म मरण च नहीं हुंदा। असी सारे जिन्हें भी असी जन्म मरण विच हाँ, इतों तीकर जिन्हें गुरु पीर फकीर आए इन्हों का भी जन्म होया, ये जिन्हें देवी देवते अवतारा की मानता है ये जन्म च भी ने, यह मरण च भी ने, पर वो अकाल पुरख परमात्मा जूनिया च नहीं हुंदा। भगत कबीर कहते हैं संकट नहीं पर है जोन नहीं आवे, बई वह जूनिया च नहीं हुंदा। गुरु अर्जन साहब ने तो ताड़ना कर दिती। गुरु अर्जन साहब कहते हैं सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी, बई वो मुख ही सड़ जाए। जेड़ा मुख कहता भी रब जूनिया विच हुंदा है, रब अवतार धारण करता है, नहीं जी, परमात्मा का स्वरूप कोई हो सकता है, परमात्मा का रूप हो सकता है। भी जेड़ा सेवक हुंदा है, महाराज की बाणी कहती वह रब का रूप ही हुंदा है जी। भगत रब का रूप ही आ, गुरु परमात्मा का रूप ही है। गुरु विच ते रब विच कोई फर्क नहीं है, पर फिर भी वह अकाल पुरख परमात्मा एक वक्री हस्ती है जिहड़ी जूनिया विच नहीं हुंदी, जिहदा जन्म मरण नहीं है, अजूनी है। फिर इहदा उच्चारण अगे करो जी, सह भंग, इहदा उच्चारण इदा करना जी, सह ससे उत्ते दुलावा, फिर अगे जी भब्बा, भब्बा प्लस कर दो अगे, ऐड़ा ऐड़े उत्ते टिप्पी गग्गा, इहनू पढ़ो जी सह भंग। गग्गा पूर्ण उच्चारण नहीं होएगा, यह नासकी उच्चारण होना जी। ध्यान में रखियो जिथे भी अखीरले अखर उत्ते टिप्पी आ जाए हमेशा वह नासकी उच्चारण होंगे जी। जिमें आप जाप साहब की बाणी पढ़ते हैं जी नमस्तंग जा नमस्तवंग, नासकी उच्चारण। सह भंग, सह का अर्थ हुंदे स्वैभू, सह भंग का अर्थ हुंदे अपने आप तो प्रकाशमान होना, अपने आप तो बन जाना। किसी ने पूछया गुरु नानक पातशाह जी अकाल पुरख परमात्मा ने सारी दुनिया बनाई, तुसी सानू पढ़ाया असी पढ़ लिया, तुसी सानू समझाया असी समझ लिया, सारी दुनिया नू संसार नू खंडा ब्रह्मांडा नू बनाउण वाला परमात्मा है, फिर सानू ये दसो भी बई जानना है। असी मनुख दे मन विच एक जानण दी भुख भी है बई आ गल इदा किवें हो गई, बई उन्हें सानू बनाया उन्हू किने बनाया, इत्थे सवाल खड़दा है। ते गुरु नानक साहब वेखो किन्ने अगां दीर्घ दृष्टि दे मालक, महाराज जी किन्नी सियाणप वाले। महाराज ने आख्या भलेओ परमात्मा नू किसे ने नहीं बनाया, परमात्मा अपने आप तो ही। आखो सतनाम। आपी ने आप साजियो, उन्हें अपना आपा ही अपने आप तो सजिया हो साजिया होया है। थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए, उन्हें अपने आप नू आप तो ही बनाया होया। उन्हू किसे ने संसार बनाया पर उन्हू किसे ने नहीं बनाया।
ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਾਦ ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਈ ਅਕਸ਼ਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਰਾ, ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਅਕਸ਼ਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਧੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਹਾਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਾਹਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਵਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਵ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ, ਤਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਵਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹਵਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੱਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾੜਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਦ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਾ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾੜਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖਮਣ ਮਾਹੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੱਭ ਜਾਇਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਥੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਈ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਿਹਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ